चलत कुंडलम भू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम मृगादीशंबारम मुंडमालम प्रिय शंकरम सर्वनाथम भजामि। ओम नमः शिवाय। चलिए सबसे पहले आपको सावन के मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि शुरू हो चुका है। कोशिश करें कि भोलेनाथ पर जरूर जल अर्पण करें, क्योंकि जो सावन का मास होता है, भोले इस समय समझ ले इतने भोले हो जाते हैं, अगर आपने एक बूंद भी चढ़ाते हो या एक दिन भी चढ़ाते हो तो उसके भी लाखों रूप में आपको देता है। आप ऐसे अंदाज़ा लगा लीजिए, आप अंदाज़ा नहीं लगाते लगा सकते कि वो किस रूप से आपको वापसी करता है उन सब चीज़ों को, मतलब किस हिसाब से आपको ब्लेस करते हैं, किस हिसाब से आपको मतलब हर चीज़ से दूर रखते हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो कोशिश करें सावन के महीने में ज़रूर मतलब एक बेलपत्र चढ़ा सके वो चढ़ा लें, दूध चढ़ा सके दही चढ़ा, जो आप चढ़ा सकते हो ज़रूर चढ़ाएं। मेरा आपसे अनुरोध है, बहुत शुभ है, बहुत शुभ है और बहुत अच्छा रहेगा आप सब लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आज आपकी वीडियो है तुला राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र, और जो आज हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा बुध है। बुध जैसे कि आप सबको पता है कि 19 जुलाई को बुध कहाँ पर आ गए थे, अपने मित्र की राशि में आ गए थे, सिंह राशि में आ गए थे। ठीक है, और 5 अगस्त को वक्री हो जाएंगे और 22 अगस्त को कर्क राशि में फिर वापसी चले जाएंगे। ठीक है, और 28 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे दोबारा से, और 23 सितंबर को उच्च राशि में कन्या में चले जाएंगे, यानी कहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पर चले जाएंगे। और आपका एक अगस्त से शुक्र भी इनका साथ देने यहाँ पर आ जाएंगे, इनके साथ शुक्र की भी आपको पूर्ण रूप से अपना वो प्राप्त होने लग जाएगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं बुध। बुध यानी आपकी बुद्धि, बुध यानी आपकी इंटेलिजेंसी, बुध यानी आपका जो बोलने का तरीका है, जो आपकी इंटेलिजेंसी है, वाक्पट है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बुध यानी आपके जो ग्रहों के आपके राजकुमार हैं वो कह सकते हैं आप। बुध यानी व्यापार, बहुत सारी चीज़ें जो हम बुध से देखते हैं, तो बुध अगर आदमी का सही है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब राजकुमार हैं तो राजकुमार तो राजकुमार ही होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो आपकी बहुत सारी चीज़ें जो बुध से चलती है, क्योंकि बुद्धि है, जो बुद्धि भी अपने आप में बुध है, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। व्यापार जो है, व्यापार भी आपका बुध है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बुध कहाँ पर बैठे हैं आपके, बुध आपके बैठे हैं लाभ में, आपकी इच्छा में, आपके जिस भाव में वो बैठे हैं, एकादश भाव में। वो भाव हमारी लाभ का होता है, हमारी आय का होता है और हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भी होता है। जहाँ से हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, जो हमारी कामनाएं होती हैं, जहाँ कामनाएं हमारी पूरी हो जाती है, उस भाव को भी हम ये कहते हैं। यहाँ से आप अपनी कामनाएं पूरी करते हैं, इच्छाएं पूरी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका बैठना पूर्ण रूप से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब बुध बैठे ही ऐसी जगह जहाँ आय का स्रोत है, यानी काम तो आपको 100% दे ही जाएंगे, आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए और ख़ासकर आपकी जो आपकी राशि है, राशि के जो स्वामी हैं वो वैसे शुक्र हैं। शुक्र क्या है? शुक्र अपने आप में लग्जीरियस है, शुक्र अपने आप में सुंदरता है, शुक्र अपने आप में वैभव है, शुक्र अपने आप में मान सम्मान समझ सकते हैं, शुक्र अपने आप में भोग और विलासताएँ हैं। जितनी भी हमारी अभी सब चीज़ें होती हैं हमें शुक्र से ही प्राप्त होती हैं। और आपकी राशि क्या, राशि भी आपकी तुला है, यानी तोल बिल्कुल तुला हुआ, आपने देखा तराजू का निशान, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो किस हिसाब की आपकी राशि होगी। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इनकी सातवीं दृष्टि की। जो सातवीं दृष्टि इनकी पड़ रही है वो कहाँ पर पड़ रही है, वो आपके संतान पक्ष पर पड़ रही है। कहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कहाँ पर? आपके यहाँ पर। जो राशि विराजमान है वो कुंभ राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके आपके शनिदेव। शनिदेव आपके न्याय और आपके कर्म के देवता, आप ऐसे मान सकते हैं। और यहाँ पर रहने का मतलब, कहते हैं ना अगर किसी बच्चे का शनि सही है, क्योंकि कहाँ पर हैं ये? संतान पक्ष में बैठे हैं। जो संतान का भाव है आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके भाग्य का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है, तो उसमें बैठने का मतलब क्या हुआ? तो यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखा बच्चों के लिए आपके लिए कितना शुभ रहेगा, क्योंकि 66 दिन के लिए ये आए हैं। और 66 दिन का इनका आना अपने आप में ये दर्शाता है कि हमारी बहुत सारी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिन्हें पूरा करके जाएंगे। कहते हैं ना बुध यानी शुभ, तो बुध अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो आपको शुभ ही शुभ होगा, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके सिक्स्थ भाव की, छठे भाव की। यहाँ जो राशि विराजमान है, क्योंकि भाव हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है आप ऐसे समझें, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भाव आपके रोग का है, आपके ऋण का, आपके शत्रुओं का, यानी आपकी बीमारियों का भाव है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चलना बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ कोई रोग या कोई ऋण या कोई दोष या कोई शत्रु तो नहीं हमारा पैदा हो गया, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो राशि हमारी विराजमान है, वो राशि हमारी मीन राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं हमारे गुरु। ठीक है,
तो गुरु बृहस्पति यहाँ इनके स्वामी होते हैं और ये क्या है, ये भी इनके मित्र हैं। आप ऐसे इनके भी मित्र हैं और इनके भी मित्र हैं और छठे उससे देखते हैं, छठे भाव से देखते हैं सॉरी। तो कन्या राशि आपकी आती है तो कन्या राशि जिसके स्वामी होते हैं बुध, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी आपको पूर्ण रूप से इनका साथ मिलेगा। तो इसका मतलब अगर प्लानिंग आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने इन सब चीज़ों से पूर्ति कर लेंगे, ठीक है। और क्या है, बृहस्पति से हम क्या देखते हैं, गुरु से, गुरु से हम धन को देखते हैं, यानी धन जब स्वयं यहाँ बैठी है, उनकी राशि बैठी है, उनके स्वामी बैठे हैं, तो क्या होगा, धन कहीं ना कहीं हमारा आएगा, कहीं ना कहीं उसका आगमन होगा, उससे हम कहीं ना कहीं अपनी पूर्ति कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम उससे अपना लोन वगैरह अगर कुछ है, अगर थोड़ी सी प्लानिंग अगर आप करेंगे, अगर बाई चांस चल भी रहा है लोन, तो इस समय आप प्लानिंग करें, तरीके से इम्प्लीमेंट करें, तो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त हो जाएगी, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और रही रोग की बात, तो रोग भी कहीं ना कहीं दूर करने का कार्य करेंगे, बस सारी चीज़ें क्या है कि आपको समझ के और प्लानिंग से काम करना पड़ेगा, तो सारी चीज़ आपके फेवर में होती चली जाएंगी, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके क्या कहते हैं, आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव में जो राशि विराजमान है वो मेष राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल को अगर हम देखते हैं तो दोनों का तालमेल यहाँ नहीं सही बैठता है। और मंगल क्या है, मंगल अपने आप ने देखा, अपने क्रूर भी हैं, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हमने आपको उपाय के तौर पर पहले भी बताया था, फिर बता देते हैं आपको, अगर उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो अगर आपका मंगल खराब भी है तो उसे भी आप सही कर लेंगे, एक चीज़। दूसरी बात, इस समय आपका सावन का महीना चल रहा है, मंगल को आप भोले की संतान के रूप में भी देख सकते हैं, तो यहाँ भी उनसे आप फायदा ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप अगर जल चढ़ाने का कार्य करेंगे, दूध दही चढ़ाने का कार्य करेंगे, रुद्राभिषेक करने का कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ आप इनसे फायदा ले लोगे। इस समय अगर भोले का आप ध्यान रख रहे हैं तो पूर्ण रूप से ये आपके फेवर में काम करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके फेवर में काम ना करें। और ये भाव हमारे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारी पत्नी का भी है, हमारी मैरिज लाइफ का भी है, हमारी क्या कहते हैं पार्टनरशिप का भी है, हमारे व्यवसाय का भी है, और हमारे नौकरी बॉस संबंधी इनका भी है, तो उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं इनसे आप फायदा ले लेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके अष्टम भावों की। अष्टम भाव में जो राशि विराजमान है वो आपकी वृषभ राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके शुक्र, ठीक है, एक चीज़। तो यहाँ क्या है, यहाँ इनका आने का मतलब ये दर्शाता है, और आपके स्वामी कौन है, शुक्र। तो यहाँ क्या है, यहाँ कुछ अधूरी इच्छा, कुछ अधूरी ख्वाहिश, कोई तनाव, कोई ऐसा वो, और कुछ ये, और ये भाव आपका जितनी आपकी गुप्त विद्याएं होती हैं उनका भी भाव होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, इस समय कोशिश करें अगर कोई योजना बना रहे हैं तो अपनी गुप्त योजना को अपने पास रखें, किसी के साथ भी शेयर ना करें। योजना शेयर करना कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत हो सकता है, और कोई योजना जो आप बना रहे हैं उसमें आपको सफलता भी प्राप्त हो जाएगी, ये हमें दिखाई देता है। अगर आप थोड़ा सा तरीके से चलेंगे, सही तरीके से चलेंगे और अपने आप को सही संभाल के चलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने मनोरथों में पूर्ति होने का कार्य दिखाई देगा, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके क्या कहते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में जो राशि विराजमान है वो आपकी मकर राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके शनिदेव। और शनिदेव क्या है, न्याय और कर्म के देवता, आप ऐसे मान सकते हैं। और यहाँ क्या है, ये भाव किसका है, ये आपकी जो आपकी पारिवारिक इच्छाएं होती हैं, जो आपकी आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, आपके परिवार के भौतिक सुख होते हैं, आपकी गाड़ी होती है, जमीन होती है, उन्हें कह सकते हैं आपका घर होता है, मकान होते हैं, दुकान होते हैं, और जितने भी आपके पत्नी का सुख हो गया, बच्चों का सुख हो गया, आप इस भाव से, क्योंकि ये क्या है, लग्जरियस का सामान, यहीं यहाँ जितनी हमारी भौतिक सुविधाएं होती हैं यहीं से हमें प्राप्त होता है। तो एक बात आप समझ सकते हैं, इस समय 66 दिन में सावन का महीना चल रहा है, और अगर गाड़ी वगैरह कुछ भी लेना चाहते हैं, कोई गाड़ी लेना चाहता है, कोई मोटरसाइकिल लेना चाहता है, तो यहाँ उसकी इच्छा पूरी हो सकती है। क्यों पूरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो राशि विराजमान है वो मकर राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं शनि। और शनि क्या है, लोहे के भी अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं, शनि से आप लोहे को भी देखते हैं, और गाड़ी और मोटरसाइकिल में क्या लगता है, लोहा ही लगता है, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। और दुकान में मकान में क्या लगता है, वहाँ भी लोहा ही लगता है, तो वहाँ भी आप पूर्ति कर सकते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो 100% निश्चिंत सफलता आपको प्राप्त हो सकती है, ठीक है। बात कर लेते हैं आपकी पराक्रम भाव की। पराक्रम भाव में जो राशि विराजमान है वो धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके गुरु बृहस्पति, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, तृतीय भाव है, तृतीय भाव के हिसाब से देखते हैं तो तृतीय भाव किसका होता है, मिथुन राशि का, जिसके स्वामी होते हैं बुध। और ये क्या भाव किसका, हमारे पराक्रम का, हमारे परिश्रम का, हमारी मेहनत का, हमारे छोटे भाइयों बहनों का, और हमारी यात्राओं का।
तो क्या होगा, यहाँ भी कहीं ना कहीं आप इनसे प्राप्त कर लेंगे। क्यों? गुरु क्या है, गुरु धन के भी कारक है, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी आप इनसे फायदा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए। और आप बात रही आपकी किस राशि में आए, आपके जहाँ पर आए हैं वहाँ सिंह राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य क्या है, सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपके सम्मान है, सूर्य आपकी पावर है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं और सूर्य पिता के कारक भी है, आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए एक कोशिश और करें कि कोशिश करें अपने पिताओं का सम्मान करें, जो आपसे बड़े हैं उनका सम्मान करें, तो कहीं ना कहीं उनका भी फायदा आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं आपके द्वादश भाव की। द्वादश भाव में जो राशि विराजमान है वो कन्या राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके बुध। आप ऐसे अंदाजा लगाएं तो बुध ये भाव किसका है, ये हमारे खर्चों का भाव होता है, ये हमारी कोर्ट कचहरी का भाव होता है, और यहाँ आप क्या फायदा ले सकते हैं इस समय, अगर कोई केस वगैरह अगर आपका है तो वहाँ ये फायदा आपको हो सकता है। और कोशिश करें अगर यहाँ कुछ खर्चा कर सकते हैं तो खर्चा कोशिश करें कि अच्छे काम में करें, किसी भंडारे में लगा दें, क्योंकि सावन का मास चल रहा है। सावन के मास में अगर किसी को भी आप थोड़ा सा भी दान पुण्य का काम करते हैं या किसी भी सेवा भाव में पैसा लगाते हैं तो उसका जो फल मिलेगा आपको पूर्ण रूप से, आप एक रुपया खर्च करेंगे तो लाखों रुपये के रूप में प्राप्त होगा, आप ऐसे मान सकते हैं। जो ये महीना है इस महीने का पूर्ण रूप से फ़ायदा उठाएँ और पूर्ण रूप से इसका आनंद लें। ठीक है, उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और फिर हम आपसे पुनः प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़ के कि सावन के मास में भोलेनाथ के दरबार में जरूर जाएं, जहाँ भी कोई मंदिर मिले आपको वहाँ जाएं, और अपना शिवलिंग पर जो भी आप सामान अर्पण कर सकते हैं वो कोशिश करें। ठीक है, ओम नमः शिवाय।